दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कस्टमर सर्विस पॉइंट यानी CSP चलाते हैं तो आपको पता होगा कि SBI ने अभी दो सर्विस दी है अपने CSP पोर्टल पे, जिनमें से एक दी है योनो कैश विड्रॉल और एक दी है BBPS की। तो BBPS क्या है, इसमें आप जो है कोई भी बिल वगैरह पेड कर सकते हैं, जैसे कि पोस्टपेड बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, गैस बिल है, काफ़ी सारे ऑप्शन है उसमें बिल पेड करने के। इसकी बात करेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो योनो कैश विड्रॉल का जो ऑप्शन दिया हुआ है SBI Kiosk पोर्टल पे, यानी कि जो भी CSP चला रहे हैं तो अब योनो कैश विड्रॉल भी कर सकेंगे। वो योनो कैश कैसे करेंगे, कहां से उनको क्या क्या करना है, तो ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में जो बताने वाला हूं, योनो कैश आपको करके दिखाने वाला हूं कि योनो कैश जो है CSP पोर्टल से कैसे करेंगे। और बाकी जो भी कस्टमर भी हमारे वीडियो देख रहे हैं तो उनको भी ये जो बहुत ही इजीली हो जाएगा, वो अपने योनो कैश से जो है रिक्वेस्ट करके और जो किसी भी CSP पोर्टल से जाके जो है विड्रॉल कर सकते हैं। उनके नज़दीक में कहीं ना कहीं CSP पॉइंट होगा ही, क्योंकि SBI के ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट इशू हो चुके हैं और हर जगह जो है लगभग SBI का जो है कस्टमर सर्विस पॉइंट देखने को आपको मिल जाता है। तो योनो कैश में जो है रिक्वेस्ट कैसे करते हैं, इसका मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। आपको पता ही है कि मैं योनो से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो बना चुका हूं, जिसमें मैंने आपको बताया है कि योनो में रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है, योनो से जो है आपको विड्रॉल रिक्वेस्ट कैसे लगानी है, कैंसिल कैसे करनी है, और मैंने ATM पे जो है जाने के बाद जो है लाइव भी आपको दिखाया था। तो योनो कैश विड्रॉल जो है अभी तक केवल ATM पे ही होता था, ATM मशीन पे जाने के बाद ही होता था, लेकिन आपसे जो है आप किसी भी जो है कस्टमर सर्विस पॉइंट पे जाके और जो अपना विड्रॉल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे, हम आपको दिखाते हैं योनो कैश विड्रॉल जो है CSP पोर्टल से कैसे किया जाता है। तो वीडियो को जो है पूरा जरूर देखना, बीच में स्किप मत करना। अगर आप CSP पोर्टल चलाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है और कस्टमर के लिए भी ये हेल्पफुल होने वाला है। जो भी कस्टमर है तो उनके लिए भी ये वीडियो जो है बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है, क्योंकि योनो कैश में रिक्वेस्ट वगैरह करने के बाद ये भी उनको पता चल जाएगा कि CSP से जो है कैसे विड्रॉल लिया जाता है। CSP भाइयों को बताना चाहूँगा, इसमें कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करने पड़ते हैं और जो है अपनी कुछ सेटिंग्स करनी पड़ती है मैनुअल से। अगर उनको नहीं पता है, उनके पे इनेबल नहीं है, तो वो अपने BC से कॉन्टैक्ट कर लें, यानी जिस कंपनी के थ्रू उन्होंने जो है CSP ले रखा है तो उससे कॉन्टैक्ट करके जो है अपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करा लें और सेटिंग को जो है करवा लें। कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करना, मैं उस पर एक फ्रेश वीडियो बना दूंगा कि जो है उसमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट रहती है और कैसे कैसे कौन कौन सी सेटिंग करनी पड़ती है, जिसके बाद जो हमारा जो है योनो कैश विड्रॉल जो है इनेबल हो जाता है। तो चलिए दोस्तों फटाफट से चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर और आपको योनो कैश विड्रॉल जो है मैं लाइव करके दिखाता हूँ। तो चलिए मैं फटाफट से अपना CSP ID लॉगिन कर ले रहा हूँ। यहाँ पे मैंने ID पासवर्ड डाल दिया है, आपको पता ही इसे कैसे लॉगिन करना है, तो मैं इसे जो है फटाफट से लॉगिन कर ले रहा हूँ। आप अपना पहले CSP ID लॉगिन कर लीजिए, मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ। लॉगिन के बाद जो आपको पता ही कुछ इस तरीके से ये लॉगिन करना होता है। तो यहाँ पे RD सर्विस इनेबल हो गई हमारी, ओके कर दिया और वेरीफाई कर लेंगे, अपना फिंगर कैप्चर कर लेंगे यहाँ पे। और फिंगर कैप्चर करने के बाद हम आ जाएंगे अपने Kiosk पोर्टल के डैशबोर्ड पे। तो डैशबोर्ड पे आने के बाद देखिए ऊपर आपको यहाँ पे एक दिखेगा SBI अदर सर्विस का, तो ये मेरा ओपन हो रहा है, ये देखिए ओपन हो गया। यहाँ पे देखिए SBI अदर सर्विस पे आपको आना है, इसमें एक नया लिंक ऐड हुआ है योनो कैश विड्रॉल, तो इस लिंक पे आपको क्लिक करेंगे। इस लिंक पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से इंस्टॉलिंग होगी। इसके लिए आपको अपना माइक्रो ATM जो है कनेक्ट करके रखना पड़ेगा, अगर कनेक्ट नहीं होगा तो यहाँ पे एरर दे देगा, आगे नहीं बढ़ेगा। तो पहले माइक्रो ATM कनेक्ट कर लीजिए, उसके बाद जो है योनो कैश की जो है रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कीजिए। तो आपका अगर माइक्रो ATM कनेक्ट होगा तो इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा, कुछ देर इंस्टॉलिंग होने के बाद जो है यहाँ पे जो है आगे बढ़ जाएगा ये। और इसके लिए कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह की मैनुअल सेटिंग की जरूरत पड़ती है, ये आप अपने BC से करवा लीजिए। कमेंट करना, मैं इसके सॉफ्टवेयर और जो है इसकी सेटिंग के बारे में पूरा एक फ्रेश वीडियो बना दूंगा, उसमें आपको बता दूंगा कि जो है योनो कैश कैसे इनेबल करते हैं। तो यहाँ पे जो है कस्टमर ने जो भी अमाउंट अपना बताया है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है और अपना यहाँ पे आपको ट्रांजेक्शन पासवर्ड देना जो आपका CSP पोर्टल का है वो वाला। तो यहाँ पे जो है ट्रांजेक्शन पासवर्ड एंटर कर दिया मैंने, इसके बाद जो है हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो साइड से मैं आपको माइक्रो ATM भी दिखा रहा हूँ, माइक्रो ATM पे भी आपको दिखाऊंगा कि इसमें जो है कैसे क्या करना रहेगा आपको। तो मैं थोड़ा अपना मोबाइल यहाँ पे कैप्चर करके और जो यहाँ पे शो कर दे रहा हूँ। तो इस तरीके से देखिए वेटिंग फॉर डाटा का आएगा, जैसे ही आप सबमिट करेंगे यहाँ पे वेटिंग फॉर डाटा पे आपको थोड़ी देर रुकना है, यहाँ पे वेट करना है, लेकिन ये आपके में तभी वर्क करेगा जब आपके में सॉफ्टवेयर और मैनुअल सेटिंग हो रखी होगी। तो यहाँ पे देखिए अमाउंट जो हमने यहाँ डेस्कटॉप पे एंटर किया वो यहाँ पे ऑटो आ गया, ATM की तरह ग्रीन बटन दबा के यहाँ एंटर करेंगे। अब यहाँ पे कस्टमर का रेफरेंस नंबर देना है, जो भी कस्टमर बताएगा आपको वो रेफरेंस नंबर यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे डालने के बाद जो है ATM की तरह ग्रीन बटन को प्रेस करेंगे और यहाँ पे कस्टमर जो भी पिन नंबर अपना बताएगा वो आपको पिन नंबर एंटर करना है, जैसे ATM का होता है वैसे ही जो है इसका होता है। पिन नंबर एंटर सही होते ही यहाँ पे देखिए डैशबोर्ड पे आपको एक मैसेज दिख गया होगा सक्सेसफुली का, तो ये जो है पिन नंबर मैच हो गया है और रेफरेंस नंबर भी मैच हो गया है, इसे ओके कर देंगे। और ओके करने के बाद हम सबमिट कर देंगे दोबारा से यहाँ पे। जैसे ही सबमिट करेंगे तो ATM की तरह यहाँ पे जैसे ATM कार्ड से करते हैं सेम उसी तरीके से देखिए यहाँ पे विड्रॉल हो गया है, आपके सामने जो है रिसीविंग आ गई है। यहाँ पे जर्नल नंबर वगैरह आपको सब कुछ मिल गया है, अमाउंट वगैरह आप देख सकते हैं 500 रुपये का हमने किया, डेट देख सकते हैं 30/6/19 की है।
यानी कि मैंने ये कल किया है। तो इस तरीके से आप देख लीजिए, इस तरीके से योनो कैश विड्रॉल जो है आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत ही आराम से आप योनो कैश कर सकते हैं। चलिए मैं आपको ऑनलाइन रिपोर्ट में भी चेक करा देता हूँ ये विड्रॉल हमारा हुआ है या नहीं हुआ है। तो चलिए हम चलते हैं रिपोर्ट में, और रिपोर्ट में हम एक्सेल में लेते हैं, डाउनलोड करते हैं और इसे ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे नीचे आपको देख रहा होगा, देखिए योनो विड्रॉल का आ रहा है 500 रुपये का, ये सक्सेस दिखा रहा है और डेट भी आप देख सकते हैं। तो ये मैंने अभी अभी आपके सामने किया है वही है। तो इस तरीके से आपको जो है आप कंफर्म हो गया होगा योनो विड्रॉल जो है हम कैसे कर सकते हैं। तो आप जो है यहाँ पे योनो कैश विड्रॉल जो है बहुत ही ईजिली तरीके से कर सकते हैं बिना किसी झंझट के। लेकिन हाँ, यहाँ पे आपको थोड़ी सेटिंग्स की जरूरत पड़ेगी और कुछ सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। तो सॉफ्टवेयर के लिए मैं छोटा सा आपको एक बता दूँ, जब आप इसमें आएंगे तो आपको डाउनलोड का एक ऑप्शन मिल जाएगा, तो उसमें आपको योनो कैश विड्रॉल का जो है मिल जाएगा। जब ऑनलाइन रिपोर्ट में जाते हैं तो वहाँ पे एक डाउनलोड का मिलेगा, डाउनलोड में आपको करना है योनो कैश विड्रॉल का डाउनलोड। दोनों माइक्रो एटीएम का दिया हुआ है, तो आप वहाँ से जो है उसे डाउनलोड कर लीजिए। तो आपने देख लिया, मैंने जो है योनो कैश का पूरा जो है आपको लाइव करके दिखाया है विड्रॉल कैसे करना सीएसपी पोर्टल से। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद जो है आपको समझ में आ गया होगा कि सीएसपी पोर्टल से जो है योनो कैश विड्रॉल आपको कैसे करना है। फिर भी कोई मन में कन्फ्यूजन या क्वेरी रहती है तो आप मुझे नीचे जो है कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जो है उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया प्लीज लाइक से जरूर कर लेना, और अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है उसे दबा दीजिए। साथ में बेल आइकन को आपको एक मिलेगा उसे भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली हमारी वीडियो आपको मिल सकेंगे, क्योंकि हमारे चैनल से आपको ज्यादा से ज्यादा बैंकिंग रिलेटेड वीडियो देखने को मिलते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।